today we are going to solve the questions of the achiever section that is question number 31 till 35 and each question carries two marks question 31 if the digits at hundreds place and units place in each of the following numbers are interchanged then find the roman numeral for the new numbers formed to number 3518. क्वेश्चन तो में कह रहे हैं कि हंड्रेड प्लेस को यूनिट्स प्लेस पर डाल दीजिए और यूनिट प्लेस को हंड्रेड प्लेस पर डाल दीजिए तो पहले तो हम देख लेते है 3518. तो जब 100 और को हम इंटरचेंज कर देंगे तो नया नंबर जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा थ्री एट वन फाइव तो नया नंबर तो हमें मिल गया अब इसका रोमन न्यूमरल हमें ढूंढना होगा तो ये हो जाएगा एम फोर थाउज

टेन और फाइव को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा थ्री एट वन फाइव तो ये वाला जो रोमन न्यूमरल है वो हमें कहा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में तो हमें तो यहाँ पे पता चल गया कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए बट अगर आपको क्यू वाला ऑप्शन भी चेक करना है जो कि है टू नाइन वन सेवन तो जब हम हंड्रेड और यूनिट्स प्लेस की डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो नया नंबर जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा टू सेवन वन नाइन टू सेवन वन नाइन के लिए क्या हो जाएगा एम प्लस एम हो जाएगा थाउजेंड प्लस थाउजेंड टू थाउजेंड प्लस डी हो जाएगा डी की वैल्यू क्या होती है फाइव हंड्रेड तो टू थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और सी प्लस सी हो जाएगा टू हंड्रेड सो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड हो जाएगा ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड प्लस टेन हो जाएगा टू सेवन वन जीरो प्लस नाइन हो जाएगा टू सेवन वन नाइन सो ये कंफर्म हो गया करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन ए क्वेश्चन 32 रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सो वन बाय वन हम स्टेटमेंट्स रीड करेंगे उसे सॉल्व करेंगे और हम बताएंगे कि वो टी है या एफ है तो उस हिसाब से हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा सो स्टेटमेंट 1 इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज 1 वन जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है एंड इट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर यानी जैसे टेन है तो टेन का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा वन होगा सपोज कर लो ट्वेंटी फाइव नंबर है मतलब नंबर ट्वेंटी फाइव का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा वन होगा तो वन जो है हर एक नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर है और जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है पर्टिकुलर नंबर का वो वो नंबर खुद ही होता है

So, यहाँ पे हम लिख देंगे एफ फॉर फॉल्स और यहाँ हमें जब वन का मिल गया है तो यहाँ हम ऑप्शन में देख लेते हैं सो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे पास बच जाते हैं ऑप्शन सी और डी स्टेटमेंट टू देर आर सिक्स कॉमन मल्टीपल्स ऑफ फाइव एंड फिफ्टीन दैट लाई बिटवीन वन एंड हंड्रेड तो हमें ऐसे कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं फाइव और फिफ्टीन के जो कि वन और हंड्रेड के बीच में है तो जब हम 15 का टेबल बोलते हैं तो 15, वन फिफ्टीन तो उसका मल्टीपल जो है वो तो 15 से शुरू ही होता है सो so, 15, वन फिफ्टीन वो फाइव के भी टेबल में है 15, टू 30, थर्टी फिफ्टीन थ्री 15, फोर्टी फाइव फिफ्टीन फोर 75 सिक्सटी फिफ्टीन फाइव जार सेवेंटी फाइव एंड फिफ्टीन सिक्स हजार तो ये सिक्स मल्टीपल्स हैं जो कि वन और हंड्रेड के बीच में हैं और ये फाइव के भी मल्टीपल्स हैं So, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्री है वो ट्रू है जब ये दो स्टेटमेंट्स के हमें आंसर मिल गए तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है एलिमिनेट हो जाता है ऑटोमेटिकली हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है जो कि है डी बट लेटेस्ट चेक स्टेटमेंट थ्री फॉर योर इंफॉर्मेशन सो स्टेटमेंट थ्री द एच सी एफ ऑफ फोर्टी एंड टू हंड्रेड इज ट्वेंटी तो फोर्टी और टू हंड्रेड के जो मेजर फैक्टर्स कॉमन है वो है टू इंटू टू इंटू टू Into five that is forty. So highest common factor of forty and two hundred is forty, and it is not twenty. So this statement is false. Hence correct option is D. Question thirty three. The given table shows the points scored by Raghav and Puneet in three round competition. If Raghav scored forty points less than Puneet in the second round, then question A. वट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल इन द सेकेंड राउंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेबल दिया गया है जिसमें क्वेश्चन मार्क है तो पहले तो हम वो फाइंड कर लेते हैं सो so, यहाँ डेटा में दिया गया है इफ राघव स्कोर्ड 40 पॉइंट लेस देन पुनित इन द सेकेंड राउंड तो पुनीत ने सेकेंड राउंड में कितना स्कोर किया है 80. So 80 में से हम 40 पॉइंट्स लेस करेंगे यानी कर देंगे तो हो जाएगा 80 minus 40, we get 40. तो अब हमें राघव के भी second round का point मिल गया जो कि है 40 सो so अब हम इजीली फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है सो so राघव के टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे फर्स्ट राउंड के 50, देन सेकेंड राउंड के 40 एंड थर्ड राउंड के 90

सो so, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हमें ऑप्शन सी में सो so, वैसे तो हमें सेकंड पार्ट करने की जरूरत नहीं है बट स्टिल फॉर योर इंफॉर्मेशन हम ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं सो क्वेश्चन बी हु won द क्विज एंड बाय हाउ मेनी पॉइंट्स राघव के तीनों राउंड का टोटल होता है 180 पुनीत के तीनों राउंड का टोटल होता है 210 सो so, ऑब्वियसली 210 ज्यादा है बाय हाउ मेनी पॉइंट्स ज्यादा है सो so, 210 माइनस वन एटी वी गेट थर्टी पॉइंट्स, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है सो पुनीत सी इज द करोज द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर फाइव मूवीज ऑन सनडे स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन बी इफ इच टिकट कॉस्ट रुपीज टू फिफ्टी then how much more money was earned on selling tickets for movie movie T than movie U? बट so, यहाँ पे, पे हमें पता करना है कि कितने ज्यादा रुपए मिले थे मूवी टी का टिकट सेल करने पे यू से सो टी माइनस यूट सेवन माइनस थ्री मिल जाता है हमें फोर बट एक टिकट रिप्रेजेंट कर रहा है वन फिफ्टी टिकट को सो फोर इंटू वन फिफ्टी हो जाता है सिक्स हंड्रेड सो टोटल टिकट्स हो गए सिक्स हंड्रेड टिकट बट एक टिकट का कॉस्ट कितना बता रहे हैं टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सो ड्रेड टिकट का कितना कॉस्ट हो जाएगा सिक्स हंड्रेड इंटू टू फिफ्टी हो जाता है ये वन लैख फिफ्टी थाउजेंड सो कितने मनी अर्न हुआ था वन लैख फिफ्टी थाउजेंड सो ये हमें दिखा रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में सो so, यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को हम निकाल देंगे क्वेश्चन क्यू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर मूवी एस टू द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर मूवी डब्ल्यू सो मूवी एस का टिकट सोल्ड है फोर

कम से ज्यादा में हमें अरेंज करना है यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके लिए तो पहले हमें वन बाय वन तीनों का वेट कर पता करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो दो करके तीनों का वेट दिया गया है तो बुक को बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं टेडी को टी से एंड मोटरसाइकिल को एम से सो तो so हो गया बी प्लस टी इज एंड टी प्लस एम इज इक्वल टू नाइन फिफ्टी ग्राम्स हमें ये दो इक्वेशन मिली है तो इनको हम अब एड कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस टू टी प्लस एम वी गेट एटीन फिफ्टी ग्राम्स और हमें ऑलरेडी दिया गया है की बी प्लस एम कितना होता है एट हंड्रेड एंड फिफ्टी ग्राम्स होता है सो एट फिफ्टी प्लस टू टी इज इक्वल टू एटीन फिफ्टी ग्राम्स सो टू टी इज इक्वल टू एटीन फिफ्टी माइनस एट फिफ्टी वी गेट वन थाउजेंड सो 2t 1000 हो गया मतलब दो टेडी बियर की वेट 1000 हो गई सो so, एक टेडी बियर कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 500 तो एक टेडी की वेट हो गई 500 बट एज पर इक्वेशन 1 जो कि है बुक प्लस टेडी जो कि आपको इमेज वन में दिख रहा होगा क्या है उन दोनों की वेट मिलाकर के 900 ग्राम्स और टेडी का वेट तो हमें ऑलरेडी पता है 500 ग्राम सो B plus 500 gram is equal to 900, so B सो equal to 900 minus 500. We get 400 grams. तो so, यहाँ हमें बुक का भी वेट पता चल गया जो कि है 400 grams. अब second इमेज जो कि है second इक्वेशन T plus M यानी टेडी प्लस मोटरसाइकिल की वेट कितनी है 950 gram. So teddy uh, सो टेडी का वेट तो हमें पता है सो so, 500 plus M is equal to 950. सो so, m is equal to 950 minus 500 is equal to 450 grams so सो यहाँ पे मोटरसाइकिल का वेट है 450 हंड्रेड ग्राम्स अब तीनों चीजों का वेट तो हमें पता चल गया सो so, अब हम इसे आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं तो सबसे छोटा वेट है किसका बुक का जो कि है 400 हंड्रेड ग्राम्स धन आता है मोटरसाइकिल जो कि है 450 हंड्रेड एंड फिफ्टी ग्राम्स एंड लास्टली आता है टेडी बैग जो कि है 500 हंड्रेड ग्राम और ये वाला जो अरेंजमेंट है वो हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में